Hello everyone, welcome to our channel. So this is going to be our first video and we will cover some important current affairs from the month of June. सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम थी ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर. एक सी ग्रास की स्पीशीज पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस डिस्कवर की गई है इन शार्क बे इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विच इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज एरिया. पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस को रिबन वीड के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021. ये 2021 में होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया और ये ऑर्गेनाइज करवाया गया पंचकुला हरियाणा में और इस बार का एडिशन 5th एडिशन जो कि होने वाला है 2022 का वो MP में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा. अगला है आंचल हेल्थ केयर अभियान जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इंट्रोड्यूस किया है. मुकेश अंबानी जिनको आप सभी जानते हैं ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं. नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2022 के हम कुछ विनर्स के बारे में पढ़ेंगे. मेन सिंगल्स में जीते हैं राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं और ये 14 टाइम्स फ्रेंच ओपन विनर रह चुके हैं और इनके पास मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम्स हैं 22. विमेन सिंगल्स में ईगा स्वियटेक जो कि पोलैंड से हैं. मिक्स डबल्स में एना शिबाहारा एंड वेस्ले कूलहॉफ जो जापान और नीदरलैंड से हैं. दिल्ली हैज़ डिसाइडेड टू नेम कॉलोनीज एंड रोड्स आफ्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो पहले हरिजन वर्ड से शुरू होते थे अब उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा. हरिजन शब्द को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर वर्ड से. इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में अभी इनॉग्रेट किया गया है. इफको ने वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कलोल गुजरात में इंट्रोड्यूस किया और इसे PM मोदी ने इनॉग्रेट किया. इफको की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. इंडिया एंड इसराइल अडॉप्टेड विजन स्टेटमेंट टू प्रमोट डिफेंस कोऑपरेशन. जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया और इसराइल के अभी 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो रहे हैं इस साल और इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम. नेक्स्ट है उड़ीसाज श्रेया लेंका बिकेम फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ के पॉप आर्टिस्ट. देन ये भी आप सभी को पता होगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे 21st June जो कि साल का सबसे बड़ा दिन भी होता है और इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है. योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की थीम रही और इंटरनेशनल योगा डे 2015 से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया. देन एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है संप्रीति एक्स जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन MD बनी है ए मनी मेघलाई. देन माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है NABARD ने. इस प्रोजेक्ट के अंडर रूरल वीमेन को एनकरेज किया जाएगा ताकि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को भी प्रमोट कर सके और साथ ही साथ अपने लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी जनरेट कर सके. इसमें एक सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग मशीन प्रोवाइड करवाई जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और वो इससे अपनी लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं. SBI फाउंडेशन ने एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम अपस्कूल लॉन्च किया है क्लास 1 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज में होगा. इसके लिए इन्होंने खान अकेडमी के साथ पार्टनरशिप की है. आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ स्टार्टेड लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है लाइफ. लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग लाइफस्टाइल चॉइसेस टू इम्प्रूव आवर प्लैनेट. इस प्रोग्राम में सिमिलर थिंकिंग वाले लोग प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को और इन लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल का नाम दिया जाएगा. इस प्रोग्राम के थ्रू हम प्रमोट कर रहे हैं माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजम्पशन. ये आइडिया PM ने 26th UN क्लाइमेट चेंज COP जो ग्लासगो में लास्ट ईयर हुई थी उसमें इंट्रोड्यूस किया था. देन 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है जिसे यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस WHO मिलकर मनाती है और ये सिंस 2018 सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस बार की थीम है सेफ फूड बेटर हेल्थ. देन नेक्स्ट न्यूज़ है आइफा अवार्ड्स 2022 जो कि अबू धाबी में
ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विक्की कौशल को सरदार उधम के लिए, बेस्ट एक्टर फीमेल में कृति सैनन को मिमी के लिए, बेस्ट फिल्म में शेरशाह को, बेस्ट डायरेक्टर भी शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन जी को, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल जुबिन नौटियाल और फीमेल असीस कौर को। इसके अलावा दादा साहिब फाल्के अवार्ड के विनर्स हैं, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को मिला है, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन, बेस्ट फिल्म शेरशाह और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल विशाल मिश्रा एंड बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कनिका कपूर। देन राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लॉन्च किए हैं। इससे पहले सेंटर भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया करती थी, बट अब उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। देन एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बाल टॉप्स, जिसे 1972 से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो नाटो कंडक्ट करवाती है बाल्टिक सी में। इस एक्सरसाइज में नाटो मेंबर्स के अलावा फिनलैंड और स्वीडन ने भी पार्टिसिपेट किया, जो कि आपको पता होगा अब फिनलैंड और स्वीडन भी डिमांड कर रहा है नाटो की मेंबरशिप के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल गेट द मेंबरशिप। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो नाटो कंडक्ट करवाता है, जैसे कोल्ड रिस्पॉन्स जो नॉर्वे में हुई थी, नेपच्यून स्ट्राइक, लॉक्ड शील्ड जो एस्टोनिया में हुई थी। इसके अलावा नाटो 1949 में बना था और उस वक्त इसके 12 मेंबर्स थे। इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स बेल्जियम में है और प्रेजेंटली इसमें 30 मेंबर कंट्रीज हैं। फिनलैंड और स्वीडन को अगर मेंबरशिप मिल जाएगी तो 32 मेंबर्स हो जाएंगे। अल्बेनिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं बजराम बेगज। UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड के लिए इंडियन रेलवे को कैटेगरी जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी में अवार्ड मिला है। सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई ब्लू ड्यूक रबर बोर्ड ने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MRUBE लॉन्च किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी पार्टनर थे आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजीज, जो कि एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी। रबर बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि रबर एक्ट 1947 से बनाई गई थी। इसका हेड ऑफिस है केरला कोटायम में और ये इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 18 अप्रैल 1947 को। देन वर्ल्ड्स वर्स्ट फिशिंग कैट चिल्का लेक में मिली हैं, जो कि 176 है नंबर में। इट्स फिशिंग कैट का IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में ये इंक्लूडेड है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 में। इसका हैबिटेट है सुंदरबंस, हिमालयन फुटहिल्स, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज, वेस्टर्न घाट्स। ये नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल मतलब ये रात में एक्टिविटीज़ करती हैं। इट फीड्स ऑन फ्रॉग्स, क्रस्टेशियन, स्नेक्स, बर्ड्स एंड कार्कसेस ऑफ लार्जर क्रिएचर्स इन एडिशन टू फिश। इट कैन स्विम वेल, जैसे कि इसका नाम है फिशिंग कैट, सो इट कैन स्विम वेल एंड इट इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ कन्वेंशनल हाउस कैट्स। India has successfully tested nuclear-capable Agni-4 ballistic missile from APJ Abdul Kalam Island in Odisha. Next is X-Khan Quest 2022, which is a multinational peacekeeping exercise, जिसे मंगोलिया में कंडक्ट करवाया गया और इसमें 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन आर्मी को लद्दाख स्काउट्स ने रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट्स। Environment Performance Index 2022, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें इंडिया को रैंक मिली है 180, विच इज़ द लास्ट रैंक। इसमें जो प्राइमरी कैटेगरीज थी स्कोरिंग के लिए वो थी इकोसिस्टम वाइटैलिटी, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस और एनवायरमेंटल हेल्थ। देन FSSAI ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसमें बिग स्टेट्स की कैटेगरी में तमिलनाडु फर्स्ट, गुजरात सेकंड, महाराष्ट्र थर्ड और HP फोर्थ रहा है। स्मॉल स्टेट्स में गोवा फर्स्ट, मणिपुर सेकंड, सिक्किम थर्ड और UTs की कैटेगरी में JNK ने टॉप किया है, सेकंड दिल्ली और थर्ड चंडीगढ़ रहा है। इसमें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, HP की इसमें रैंक रही है फोर्थ बिग स्टेट्स कैटेगरी में। इसके अलावा आपको फर्स्ट रैंक सभी कैटेगरीज में याद होनी चाहिए। देन वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया गया, थीम थी रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। इसे हम 2008 से मना रहे हैं और ये इंट्रोड्यूस किया गया था इसके लिए प्रपोजल अर्थ समिट 1992 में, जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी।
एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय यूएन, ओशियंस नॉट ओनली प्रोड्यूस 50% ऑफ प्लैनेट्स ऑक्सीजन बट इज ऑल्सो पिवोटल टू आवर इकोनॉमी विद एस्टिमेटेड 40 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड बाय ओशियन बेस्ड इंडस्ट्रीज बाय 2030. दिस डेटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड. नेक्स्ट इज बीच विजुअल ऐप विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय गोवा गवर्नमेंट. आज के लिए बस इतना ही. अगर आप चाहते हैं कि इन करंट अफेयर की वीडियोस को कंटिन्यू किया जाए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.